मेरे YouTube चैनल योग स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे हनुमान आसन, जो हमारे शरीर की मजबूती के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी है। इसके रेगुलर अभ्यास से हमारे नाभि के निचले हिस्से की सभी हड्डियां मजबूत और फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। रेगुलर हनुमान आसन करने से साइटिका का दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाता है और महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है यह आसन। आइए देखते हैं कि हनुमान आसन कैसे किया जाता है। हनुमान आसन करने के लिए सबसे पहले आप वार्म अप कर लीजिए, उसके बाद इसे सबसे बाद में कीजिए। ये स्ट्रेचिंग का एक अभ्यास है। हनुमान आसन इसे करने के लिए सबसे पहले आप खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर पहले दाहिने पैर से आगे करेंगे, दाहिने पैर को आगे करेंगे, बायां पैर आपका बिल्कुल सीधे पीछा रहेगा, पीछे रहेगा। इसके लिए आप ऐसे करेंगे कि धीरे धीरे अपने बाएं पैर में बैठ जाइए और दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। कुछ देर इसी अवस्था में रहिए, अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी देर आप रह सकते हैं। हनुमान आसन महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी आसन है। वेदना रहित प्रसव के लिए तैयार करता है, मासिक धर्म नियमित करता है, हाथ पैरों की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। धीरे धीरे नीचे और आप इसमें अपनी छाती भी लगा सकते हैं। फिर पैरों को आगे कर लीजिए। फिर इसी अभ्यास को आप बाएं पैर से करेंगे। खड़े हो जाएंगे, फिर दाहिना पैर आपका पीछे रहेगा और बायां पैर आगे। बिल्कुल पैर घुटने मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए आपके। धीरे धीरे दाहिना पैर सीधे कर लीजिए और बाएं पैर को आगे। कुछ देर इसी स्थिति में मेंटेन कीजिए। धीरे धीरे दोस्तों हनुमान आसन एक बहुत ही अच्छा आसन है और बहुत ही सरल आसन है। इसे आप अनावश्यक जोर लगाकर ना करें। जब आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए पहले वार्म अप एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके बाद इस आसन को स्टार्ट कीजिए। इसको करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ जाइए, फिर घुटनों के बल खड़े हो जाइए, बाएं पैर को पीछे फैला लीजिए और दाहिने पैर को आगे। इस अवस्था में रहिए, स्टार्टिंग में आप इस अवस्था में रहिए और दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, प्रणाम मुद्रा बना दीजिए। आंखें बंद कर सकते हैं इस क्रिया में। इसे करने से साइटिका का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगर आपको इंसोमिया की प्रॉब्लम है, स्लीप डिसऑर्डर है, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। और इसमें नीचे भी झुक सकते हैं, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही बढ़िया है। 5 से 6 बार कीजिए। इस अवस्था में आप 1 से 2 मिनट रुक सकते हो। पहले 10 सेकंड फिर 30 सेकंड रुकने की कोशिश कीजिए। फिर इसी अभ्यास को आप दाहिनी ओर से करके फिर बाईं ओर से करेंगे। बाईं ओर से करने के लिए भी आप क्या करेंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे, घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, दाहिना पैर आपका पीछे जाएगा और बायां पैर आगे। दाहिने पैर को बिल्कुल सीधे कर लीजिए और दाहिने पैर को आगे। धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठा लीजिए। उस देर इसी स्थिति में मेंटेन कीजिए और आप इसे झुक भी सकते हैं। इससे एकदम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आपकी। दोस्तों हनुमान आसन करने से हमारे पैरों की मांसपेशियां काफ़ी फ्लेक्सिबल और मजबूत हो जाती है और साइटिका का दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाता है। महिलाओं के बांझपन को दूर करने के लिए यह बहुत ही अच्छा आसन है, इसलिए इसे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।